वास्तु के इन नियमों का रखे ध्यान धन हानि और दुर्भाग्य से मिलेगा छुटकारा वास्तु शास्त्र में ऐसी कई चीजों के बारे में बताया गया है जिससे धन आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है हम जाने अनजाने में इन गलतियों को करते हैं जिसका असर धन संपत्ति पर पड़ता है वास्तु में इस बारे में बताया गया है आइए जानते हैं कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए घर पर वास्तु दोष होने से धन आगमन बाधित होता है और दुर्भाग्य बढ़ता है वास्तुशास्त्र में दिशा और नियम का विशेष महत्व होता है इसमें घर और ऑफिस के लिए कई नियमों के बारे में बताया गया है जिसका पालन करने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमारे दुर्भाग्य का कारण बन जाती हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि कई बार हमें वास्तु के बारे में जानकारी नहीं होती है इन गलतियों के कारण मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और इसका असर घर की सुख सम्पन्नता पर पड़ता है वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि तिजोरी या रसोई घर के आसपास किन चीजों को रखना वर्जित होता है इन चीजों को रखने से धन हानि की संभावना बढ़ती है धन और संपन्नता से जुड़े वास्तु शास्त्र के कुछ नियमों के बारे में रसोई घर में न रखें दवाएं परिवार के लोग सेहतमंद और स्वस्थ रहें इसके लिए रसोई घर में भोजन बनाया जाता है लेकिन यहाँ दवा या दवा का बॉक्स आदि नहीं रखें। इससे वास्तु दोष होता है और घर के सदस्यों के सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है रसोई घर में दवा रखने से परिवार के सदस्यों के सेहत में उतार चढ़ाव होते रहे हैं बाथरूम में न रखें ये चीजें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि जब आप बाथरूम का इस्तेमाल न कर रहे हों तो इसका दरवाजा बंद कर दें वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम में टूटा हुआ शीश टूटी चप्पल गीले कपड़े और खाली बाल्टी न रखें इससे वास्तु दोष होता है और इन चीजों से घर और ऑफिस में लगातार धन का नुकसान होता है तिजोरी के पास न रखें ये चीजें तिजोरी घर या ऑफिस की सबसे मुख्य वस्तु होती है जिसमें कीमती सामान रखे जाते हैं यदि आप तिजोरी में या इसके आसपास गलत चीजों को रखते हैं तो इससे धन आगमन में रुकावट पैदा होती है वास्तु शास्त्र के अनुसार तिजोरी के पास झाड़ू और जूठे बर्तन जैसी चीजें नहीं रखनी चाहिए इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और धन हानि होती है